everyone, I'm Sharmishta and welcome back to my channel and welcome back to day 6 look of 7 days 7 YouTuber inspired look series. So for day 6 look, आज मैंने मेकअप किया है inspired by YouTuber मालविका सितलानी. So few days back, उन्होंने अपने YouTube channel पे ये वाला soft pink makeup look create किया था and वही makeup look आज मैं recreate करने की कोशिश करूँगी. I hope you all will like it. Now let's get started. सबसे पहले मैंने NYB का प्राइमर अप्लाई किया है एंड टी जोन एरिया पे अप्लाई किया है. ऑल्सो आईज पे भी अप्लाई कर लिया है एंड माउथ अराउंड भी अप्लाई कर लिया है. देन अच्छे से मैंने फिंगर से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट फॉर बेस मेकअप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लाइक मी 925 सीसी क्रीम एंड ये है शेड बेज एंड इसे मैंने पूरे फेस पे ऑल्सो नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है. देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैंने कंसीलर अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर शेड सैंड सेबल एंड इसे मैंने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया है. ऑल्सो आईलिड पे भी अप्लाई किया है एंड आईज के एंड पे अप्लाई किया है एंड देन अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है. देन इस पूरे बेस को सेट करने के लिए मैंने अप्लाई किया है कलरसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर शेड बेज. इसे मैंने डैब डैब करके पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है. नाउ मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने आईब्रोज को फिल इन कर लिया है. सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया है एंड देन फिल इन कर लिया है मैंने स्विस ब्यूटी के आईब्राउ पेंसिल से शेड लाइट ब्राउन. सो माय आईब्रोज आर डन. नेक्स्ट मैं फेस को कॉन्टोर करूंगी तो मैंने लिया है NYB का कॉन्टोर स्टिक्स शेड नंबर 7 रूमी इन रूजवेल्ट टोस्ट एंड इसे मैंने ब्रश पे लेके इस तरीके से अप्लाई किया है चीक्स पे जैसे नॉर्मली हम कॉन्टोर करते हैं फेस को. क्योंकि आज मुझे ब्रश पे लेके क्रीम कॉन्टोर ट्राई करना था इसलिए मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है. नाउ मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी तो मैंने लिया है मार्स 36 कलर मैट आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैंने ये वाला ब्राउन एंड पिंक शेड दोनों को मिक्स करके मैंने आउट ऑफ वी पे प्लेस किया है एंड ब्लेंड भी किया है. ऑल्सो मैंने क्रीज लाइन पे भी अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला दूसरा ब्राउन शेड एंड इसे भी मैंने आउट ऑफ वी पे प्लेस किया है एंड ऑल्सो क्रीज लाइन पे भी अप्लाई किया है एंड अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है. एंड हियर आई एम शोइंग यू द डिफरेंस आफ्टर ब्लेंडिंग. ऑल्सो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से नोज के पास भी अप्लाई कर लिया है ताकि नोज जो है वो थोड़ा सा कॉन्टोर लगे. नेक्स्ट मैंने ये वाला ब्लैक शेड पिक किया है एंगुलर ब्रश में एंड इससे मैंने एक छोटा सा विंग क्रिएट किया है ओनली हाफ ऑफ द आईलिड से आउटर वी तक. फिर मैंने लिया है हिलारी ओरा का पैलेट एंड इसमें से मैंने ये वाला डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड पिक किया है एंड इसे मैंने क्रीज लाइन पे इस तरीके से अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में भी मैंने ब्लेंड कर दिया है. नेक्स्ट मैंने फिर से मार्स का पैलेट लिया है एंड इसमें से मैंने ये वाला लाइट पर्पल शेड पिक किया है एंड फ्लैट ब्रश में लेके इसे इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है एंड ऑल्सो मैंने ये वाला थोड़ा सा व्हाइट शेड है ऑफ व्हाइट शेड इसे भी उसके ऊपर से अप्लाई कर लिया है. नाउ आई शेडो लुक तो कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है बेला वॉस का मस्कारा एंड देन स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट में से मैंने ये तीनों ब्लश को लिया है मिक्स किया है एंड चीक्स भी अप्लाई कर लिया है. ऑल्सो थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई कर लिया है एंड देन सेम पैलेट में से ये वाला हाईलाइटर शेड लेके मैंने फेस को हाईलाइट कर लिया है एंड ऑल्सो मैंने आईज को भी हाईलाइट कर लिया है जैसे कि इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को. एंड देन लास्टली फॉर लिपस्टिक मैंने लिया है डार्लिंग इजाबेला बुलेट लिपस्टिक शेड नंबर 9 नॉटी न्यूड रॉयल्टी एंड ये काफ़ी अच्छा एक पिंक कलर है एंड न्यूड पिंक एक्चुअली एंड दिस इज द फाइनल लुक. सो या ये था मेरा डे 6 लुक इंस्पायर्ड बाय यूट्यूबर मालविका सितलानी एंड अब सिर्फ एक लुक रह गया है टू कंप्लीट दिस सीरीज. सो आई होप आप सबको पसंद आया है ये वीडियो. अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही बेल बटन ऑल पे जरूर हिट कर दीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी मेरे लास्ट एंड फाइनल लुक के साथ दैट इज डे 7 लुक. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.